हेलो निखिल। हेलो मामा। बेटा मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं मामा, बिल्कुल नहीं। हाउ इज गोवा? गोवा गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल मामा। तभी तो तुम लोगों के हनीमून के लिए मैंने गोवा सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा तुम लोगों ने वहां पर क्या क्या देखा? मामा हम लोगों ने गोवा में सब कुछ देख लिया। बैम्बोलिन बीच, फोर्ट अग्वाड़ा, वर्का, मोपासा, सब कुछ। एक ही दिन में इतना सब कुछ देख भी लिया तुम लोगों ने? हाँ मामा, गोवा है ऐसी जगह कि आपका मन करता है देखते जाए। लावण्या को पसंद आया? हाँ लावण्या को तो बहुत ही पसंद आया। अगर उसका पास चलता तो वो सारी रात बीच पर ही बैठी रहती। है कहाँ वो? मेरी बात कराना उससे। वो मामा वो एक्चुअली दिन भर बीच पर खेलती रही इसलिए थक गई, सोई हुई है। जगा दो। नहीं नहीं सोने दे उसे। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि उसका मन बहल गया, वरना डीसी के चले जाने के बाद तो मैं मंदिरा को बताती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। बस अब तू भी सो जा, बहुत रात हो गई। एक मिनट रुक रुक, तानिया को बात करनी है तुमसे। हाय भाई। हाय सिस। गेस व्हाट, मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी इमी के साथ। अच्छा? ही इज अ फनी गाय। कह रहा था कि तुम्हारा बॉस एलियन है। दैट्स इमी। अच्छा उसने मुझे तुम्हारी फेमस स्क्रीन सेवर की कहानी भी बताई। तुमने उसे कंप्यूटर से क्यों निकाल दिया? अरे कुछ नहीं, ऐसे कंप्यूटर खराब हो गया था इसलिए चेंज कर दिया। ओह आई वाज वंडरिंग व्हाट द प्रॉब्लम वाज। चल अब जाके सोचा। ओके ओके भाई। और हाँ लावण्या से कहना कि हम सब उसे मिस कर रहे हैं। ओके गुड नाइट बाय। लावण्या लावण्या होती तो जरूर बोलता।